समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर गोरखपुर में सोमवार को प्रदर्शन करने निकले सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर ही रोक लिया। कार्यकर्ता सदर तहसील पहुंचकर प्रदर्शन और ज्ञापन देना चाहते थे, जिस पर उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर ही सपा कार्यकर्ताओं का ज्ञापन ले लिया। इस दौरान जियाउल इस्लाम, अखिलेश यादव, अवधेश यादव, रजनीश यादव, विजय बहादुर यादव, अमरेंद्र निषाद, जितेंद्र सिंह, सिंहासन यादव, बिंदा देवी, शिवशंकर गौड़, शब्बीर कुरैशी, सुशीला भारती, उर्मिला देवी आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, जनता को मिलने वाले लाभों से वंचित करने की साजिश हो रही है। पाठ्यक्रमों में दलित छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। अपराधों की रोकथाम हो, खासकर महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर पुलिस प्रशासन को प्रभावी और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जाए। अपराधियों की जमानत न हो, इसके लिए अभियोजन पक्ष को तस्दीक की जाए। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से मनमानी फीस ले रहे हैं, अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस लिया जाए। अरे धक्का मुक्की न करो, धक्का मुक्की भाई, किसान विरोधियों ने देश वापस लो, वापस लो, वापस विरोधियों ने देश वापस लो, वापस लो, वापस लो, छात्रों किसे उल्क माफ करो, माफ करो, माफ करो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज जनपद गोरखपुर के सभी तहसील मुख्यालयों पर हम समाजवादियों के द्वारा इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ पत्रक देने का कार्य किया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस सरकार में जो कोरोना महामारी हुई, इस महामारी के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में बेड खाली नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पर आप देख रहे हैं लाखों लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वसूल रहे हैं। आज बिजली का दाम लगातार बढ़ाया जा रहा है, बिजली का दाम बढ़ाया जा रहा है, डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, इससे किसानों के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है, सभी लोग इसमें परेशान है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि उनका उत्पीड़न बंद किया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फौजी मुकदमा दर्ज करके लाठी डंडे के बल पर समाजवादियों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं। आज उसी के लिए हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से पत्रक देने का काम किए हैं।